पहले बताता हूं कि आज का जो तरीका होने वाला है, जो बैकलिंक्स बनाने की तरीका होने वाला है, वो है medium.com के थ्रू। अगर आपको medium.com के ऊपर पूरा पूरा मतलब medium.com के बारे में पूरा पूरा नॉलेज है तो आप इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और मेरे को छोड़ के जा सकते हो। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को जो medium.com के बारे में पता ही नहीं है कैसे किस तरीके से medium.com को यूटिलाइज करके यूज करके लोग पहला ब्लॉग पहला आर्टिकल नया वेबसाइट को एकदम गूगल के टॉप पेज पे रैंक करवा रहा है वो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। और साथ ही साथ कैसे medium.com के ऊपर आपको अकाउंट बनाना है और medium.com के ऊपर अकाउंट बनाने से सारा कुछ नहीं हो जाता है, कुछ अथॉरिटीज बिल्ड करना पड़ता है medium.com के पास से, वो भी कैसे बाईपास करेंगे सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ कंप्लीट बन रही है, एंड तक देखते रहिए ताकि आपका भी साइट आप बहुत जल्द जो है आप गूगल के टॉप पेज पे रैंक करवा सकते हो। medium.com एक बहुत ही हाई DAPA वाला वेबसाइट है। तो स्टार्ट करते हैं एकदम यहां से इंडेक्स ब्राउजर के ऊपर और यहां पे सर्च करेंगे medium.com। ठीक है, तो यहां पे मैंने सर्च करा हूं medium.com एंड सबसे पहले चेक करेंगे कि medium.com की DAPA कितना है। यहां पे देख सकते हो कि मैं इस थ्री डॉट के ऊपर करूंगा क्लिक और यहां पे थोड़ा सा डेस्कटॉप वर्जन को मैं कर देता हूं इनेबल ताकि कंप्यूटर की तरह लुक लगेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए कुछ इस प्रकार से है और यहां पे टॉप में जो मौज बार ऐड किया गया है, मौजी जो है ये मतलब डिसाइड करता है कि एक वेबसाइट की डीए कितना है पीए कितना है। ठीक है, ये इन्हीं का ही टूल है और इन्होंने ही जो है DAPA चीज़ों को बनाया है। तो यहाँ पे देखो डीए देख सकते हो कि 95 है इन वेबसाइट का medium.com का, इसका पे मतलब पीए देख सकते हो पेज अथॉरिटी जो है 81 का है। मतलब आपको पता है लग चुका है कि आपको कितने हाई क्वालिटी DAPA वेबसाइट से आपको बैकलिंक्स मिलने वाला है। तो इस वीडियो के साथ कंप्लीट बने रहिए, कैसे आपको बैकलिंक क्रिएट करना है वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, लोगों ने कैसे करके रखा है वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो आप अपने मोबाइल के अंदर इस प्रकार से मौज बार को ऐड करना है तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ, आप जाके देखिए मौज बार को ऐड कैसे कर सकते हो, कैसे QR रिसर्च टूल को फ्री में ऐड कर सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं चलता हूँ यहाँ से बैक और उसके बाद चलता हूँ मैं गूगल की क्रोम ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, क्रोम ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देखिए यहाँ पे मैं टॉप में कुछ कीवर्ड मैंने फाइंड आउट करके रखा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये कीवर्ड हो गया हाउ जापानीज पीपल स्टे फिट फॉर लाइफ। मैंने सुबह जो है थोड़ा सा फिटनेस के बारे में चर्चा कर रहा था तो मैंने इस सारे चीज़ को देख रहा था। भाई यहाँ पे मेरे नज़र में ये आया कि भाई यहां पे देखो जो जापानीज पीपल कैसे मतलब फिट रहती है उसके ऊपर बहुत सारा आर्टिकल लिखा गया है और ये छोटा सा कीवर्ड है, उतना भी लेंदी कीवर्ड नहीं है। इसके ऊपर कितना आर्टिकल है, कितना रिजल्ट है गूगल पे आप देख सकते हो। भाई फिर भी यहां पे देखो सेकंड नंबर पे जो पोस्ट रैंक कर रही है वो है medium.com की पोस्ट। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर करता हूं क्लिक और क्लिक करके आपको दिखा रहा हूं कि लोग मतलब इन्होंने क्या करके रखा है। तो ये ऑथर का नेम हो गया यहां पे कक्की ओकामुरा नाम का कोई ऑथर हो गया और इसका फॉलोअर देख सकते हो medium.com के ऊपर जो है 13,900 यानी 14,000 के आसपास फॉलोअर है। तो भाई समझ सकते हो कि कब से ये medium.com के ऊपर काम कर रही है ताकि उनका पोस्ट को भी यहाँ पे रैंक करवाना है। तो उन्होंने कुछ इस टाइप का पोस्ट करके रखा है, हो सकता है कि लोग क्या करते हैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे जो है इंटरनल लिंकिंग करके रखता है या फिर नीचे आने के बाद जो है आपको बता सकते हैं कि आप मोर नीड मोर या फिर नो मोर या फिर रीड मोर तो उसके बाद उनकी वेबसाइट की लिंक देता है। भाई इन्होंने यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं किया है तो कहाँ पे किया है वो भी मेरे को देखना होगा ना, ताकि आप लोगों को भी दिखाना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को जो है कुछ इंटरनल लिंकिंग तो दिखा नहीं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार चेक करके देख लेता हूँ एक मिनट। तो यहाँ पे देखो कुछ थोड़ा सा हाइलाइटेड है, यहाँ पे काला चीज़ें है, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक और क्लिक करने के बाद देखिए ओ भाई यहाँ पे इन्होंने जो मतलब सीधे ट्वीट करने की ऑप्शन दे के रखे हैं। तो चलिए इसको भी मैं इग्नोर करता हूँ और चलते हैं यहाँ से काकी ओकामुरा का जो अवार्ड सेक्शन है उसके ऊपर। ठीक है, ये जो इन्होंने यहाँ पे जो पोस्ट बना के रखे, जो पोर्टफोलियो बना के रखे तो उनके ऊपर मैं जाता हूँ। यहाँ पे देखिए काकी ओकामुरा और यहाँ पे इसके अवार्ड सेक्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया हूँ। तो यहाँ पे देखो अवार्ड काकी ओकामुरा, बट यहाँ पे देखो उनके वेबसाइट की नेम डेफिनेटली दिया गया है। तो यहाँ पे देखो www. और kakikata.space, भाई स्पेलिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, kakikata.space। तो ये रहा इनकी वेबसाइट, सीधे लोग उसकी आर्टिकल को पढ़ेगा, जैसे उसको पसंद आएगा तो डेफिनेटली उनकी वेबसाइट को भी लोग जाके जरूर से विजिट करके जाएगा। तो ये हो गया एकदम मतलब क्या है कि एकदम ऑर्गेनिक सर्च मिलेगा उसको, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सर्च नहीं मिलेगा, लोग जो है उसकी साइट की नेम को सर्च करेगा उसके बाद ही उसकी साइट के ऊपर जाएगा। तो उससे क्या कि उसको और भी ऑर्गेनिक सर्च मिलेगा, उनकी वेबसाइट और भी टॉप पे रैंक करेगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा फर्स्ट, आपको दिखा दिया हूँ मैंने फर्स्ट प्रूफ। अब चलता हूँ मैं सेकेंड प्रूफ की तरफ, तो मैं चलूँगा यहाँ से एक नया टैब के ऊपर और जाने के बाद इसको मैं करूँगा यहाँ से डेस्कटॉप साइट इनेबल। और अगेन मैं यहाँ पे एक अगर आपका जो है पोस्ट हिंदी में है, मतलब आपने हिंदी में पोस्ट लिखते हो, आपका वेबसाइट हिंदी में है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा दूँ कि ब्लॉग पोस्ट में कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करें। ये एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड हो गया, इसका भी रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो कि 341,000 के आसपास जो है रिजल्ट है। भाई इतना कम भी नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आने दो। यहाँ पे फर्स्ट में एक वेबसाइट रैंक किया, सेकंड में भी वेबसाइट रैंक किया, थर्ड में भी जो हम लोगों का यूट्यूब वीडियोज़ रैंक किया, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स एंड सेवन्थ एंड थोड़ा सा नीचे आने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए medium.com का वेबसाइट रैंक किया,
ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक और देखूंगा ये भाई ने कब से काम करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे देखो ये जुलाई 12 2020 से यहाँ पे काम कर रहा है, मतलब ये पोस्ट डाले थे। इसके आर्टिकल को थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ पे उन्होंने जो है डाल के रखे हैं उनकी इंटरनल लिंकिंग या फिर उनकी वेबसाइट की नेम। तो यहाँ पे ये रहा पोस्ट और पोस्ट को हम लोग पढ़ते जा रहे और यहाँ पे चलते हैं नीचे। और नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये जो है कीवर्ड प्लेसमेंट इन ब्लॉग, इसके ऊपर भी शायद क्लिक करने से आपको जो है लैंड करवाएगा उनकी वेबसाइट के ऊपर। देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे देखो वन वे फंडेजी, चलिए इसका ये रहा वेबसाइट वे फंडेजी, ठीक है। तो ये वेबसाइट भी मतलब लोगों ने जो है इसको जो है बैकलिंक मिला, मतलब एक तरीके से ये बहुत ही अच्छा बैकलिंक मिला उनको और उनकी साइट रैंक भी किया, उनके आर्टिकल तो रैंक कर चुके हैं यहाँ पे फर्स्ट पेज पे मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ जो कि medium.com के थ्रू, और उनकी साइट के ऊपर भी कितना बैकलिंक्स अच्छे में लोग जा रही है, ठीक है। तो ये रहा एक, मेरे ख्याल से इन्होंने और भी कुछ तरीका करके रखे है। थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखो blog.post में तो ये उनका भी एक वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक। शायद यहाँ पे भी उन्होंने इंटरनल लिंकिंग करके रखे है डेफिनेटली, और खोल रही है साइट, ऊपर में देख सकते हो कि यहाँ पे जो यहाँ तक आ भी चुका है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं देखते हैं कि क्या करके रखे यार। तो यहाँ पे चलो यहाँ पे देखो ओरिजिनली पब्लिश एट, उसके बाद यहाँ पे भी एक अलग साइड है, तो मतलब वहाँ पे एक अलग साइड, यहाँ पे भी एक अलग साइड। ऐसे नहीं कि आप एक पोस्ट के थ्रू आपकी एक आर्टिकल को या फिर एक वेबसाइट को ही रैंक करवाएंगे, एक पोस्ट के थ्रू आप आपकी जितने सारे वेबसाइट है उन सारे वेबसाइट के थ्रू आप बैक लिंक क्रिएट कर सकते हो। देखो यार यहाँ पे कुछ इस टाइप से आ चुका है, इन्हीं का गलती है, इनका वेबसाइट यहाँ पे लोड नहीं हो रही है, techno-india.com ये वेबसाइट यहाँ पे मतलब लोड नहीं हो रही है, इनकी गलती है, कस्टमाइज अच्छे तरीके से नहीं करके रखे। फिर मैंने आपको दिखा दिया हूँ कि कैसे एक पोस्ट यहाँ पे डाले हैं और इसके थ्रू मतलब उन्होंने कैसे 2-3-4 वेबसाइट को बैकलिंक्स दिया है एक पोस्ट के थ्रू, ठीक है। तो आपको पता लग चुका है कि कैसे जो है लोग यूटिलाइज कर रही है, यूज़ कर रही है medium.com की। तो आप फाइनली बात करते हैं कि medium.com के लिए हम लोगों को अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ से मैं अगेन चलूँ medium.com की अकाउंट क्रिएट, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं डालता हूँ medium.com एंड उसके बाद मैं करता हूँ सर्च, और उसके बाद यहाँ से हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने का भी कुछ तरीका है, इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे चलिए गेट स्टार्टेड के ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, और यहाँ से तो साइन अप विद गूगल, साइन अप विद फेसबुक, साइन अप विद ईमेल, ठीक है। तो हम चलेंगे साइन अप विद गूगल के साथ, तो यहाँ पे मैं करूँगा क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं डालूंगा ईमेल आईडी। मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल चुका हूँ, उसके बाद मैं करूँगा नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक, और जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया हूँ यहाँ पे एंटर है पासवर्ड, योर पासवर्ड आपकी जो मतलब गूगल की पासवर्ड है वही आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैंने पासवर्ड डाल भी चुका हूँ, उसके बाद मैं करूँगा नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक, और यहाँ पे देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे अकाउंट क्रिएट भी उतना मतलब इजी नहीं है जितना कि आप सोच रहे हो। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑलमोस्ट देयर, यहाँ पे मेरा आईडी का नेम फर्स्ट कुछ पोर्शन ले लिया है मेरे ईमेल आईडी का, और यहाँ पे देखिए योर फुल नेम योर ईमेल हम लोगों ने यहाँ पे डाल के रखे, यहाँ पे ईमेल शो कर बढ़े, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट क्रिएट के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको डालना होगा योर फुल नेम, चलिए करूँगा क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं बता दूँ देखिए मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे अपग्रेड, मतलब अपग्रेड का मतलब क्या है कि आपको अपग्रेड करने के लिए बता रही है आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मंथली आपको $5 पे करना पड़ेगा, एनुअली जो है $50 पे करना पड़ेगा। तो ये अपग्रेड प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें आता है मैंने अभी तक इसको इतने अच्छी तरीके से देखा नहीं हूँ, जब देखूंगा मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूँगा। हो सकती है कि अगर आप अपग्रेड प्लान को परचेस करते हो ना तो इससे क्या है कि आपकी आर्टिकल को थोड़ा सा अच्छा बूस्ट मिलेगा और भी अच्छी तरीके से रैंक करेगा, यही होगा फंडा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है मेरा साइट्स। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको लोगो भी वगैरह लगा सकते हो, यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से मेरे यहाँ पे वेबसाइट का भी नाम आ चुका है। तो यहाँ पे देखो राइट स्टोरी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है स्टोरी राइटिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरा रिकमेंड यही है कि आप कुछ आर्टिकल को पढ़िए, एंड आर्टिकल पढ़ने के बाद ना उसको जो है यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए एक आर्टिकल यहाँ पे रैंक कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इस आर्टिकल को मैं करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसकी साइट को, और यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से है इनकी पोस्ट। आपको थोड़ा सा ना क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा फॉलो वगैरह आप कर लीजिए तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छा बूस्ट मिलेगा। फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे जो अपलोड का ये क्लैप मतलब तालियां बजाने की जो निशान है इसको क्लिक कर दीजिए, इसको भी आप क्लिक कर दीजिए। देखिए इसको मैंने क्लिक किया हूँ, अच्छा इसको मैं फॉलो कर ही लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी इसको फॉलो कर लीजिए। रिसीव ईमेल फॉर दिस, नहीं हमको ईमेल नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं फॉलो कर चुका हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको करना होगा आपका अकाउंट क्रिएट, उसके बाद धड़ाधड़ जैसे आप पोस्ट कर रहे हो आप अपने साइट के ऊपर उसी पोस्ट को यहाँ पे डालते रहिए, एंड में कुछ पार्ट को आप हाइड कर दीजिए, उसके बाद जो है नो मोर या फिर जो भी है उस लिख के ना
वहाँ पे उसके बाद आप इंटरनल लिंकिंग कर दीजिए आपकी वेबसाइट को, देखिए धड़ाधड़ जैसे कैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे भाई ये भी देख के जाइए कि कैसा आपको जो यहाँ पे पोस्ट करना है, मतलब यहाँ से बैकलिंक को जेनरेट कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ मेरे यहाँ पे लोगों के ऊपर, और यहाँ पे देखिए राइट स्टोरी के ऊपर, मैं इसको कहती है स्टोरी, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पोस्ट कहते हैं ना ब्लॉग के अंदर, तो इसको कहती है स्टोरी। तो मैंने राइट स्टोरी के ऊपर किया हूँ, यहाँ पे देखिए आपका स्टोरी राइटिंग का ऑप्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखा था, तो उसको मैंने यहाँ पे करूँगा पेस्ट। तो मैं कर दिया हूँ यहाँ पे पेस्ट। देखिए यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा टाइटल हो गया कि ब्लॉग कैसे बनाएं, ठीक है। और ये जो है सेव भी हो जाता है, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखते जाओगे तो ये यहाँ पे ऊपर में सेव हो जाएगा ड्राफ्ट में। अब आपको यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग कैसे करनी है, जैसे हम लोगों ने करते हैं ऐसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे देखिए ब्लॉग कैसे बनाएं, ये मेरा टाइटल हो गया। दोस्तों आज के डेट में बहुत सारे लोग ने ब्लॉगिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं है कि ब्लॉगिंग कैसे करें। तो ये हो गया ब्लॉगिंग कैसे करें मेरा कीवर्ड। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से करूँगा सिलेक्ट, एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको छोड़ देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका लिंक का ऑप्शन मिल गया, जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे लिंक का ऑप्शन मिल गया। इसको आप चाहे तो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, उसके बाद लिंक जोड़ सकते हो, या फिर टेक्स्ट का साइज को आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे देखो टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया, चलिए मैं इसको अभी हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं करता हूँ इसको जो मैं करूँगा क्या, इसको मैं बोल्ड भी किया हूँ एंड इटैलिक भी किया हूँ, और उसके बाद मैं करूँगा इसको इंटरनल लिंकिंग। तो यहाँ पे मैं लिंकिंग के ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा, और उसके बाद आप अपनी जो ब्लॉग पोस्ट है उसका पूरा का पूरा लिंक यहाँ पे दे सकते हो, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट का ही लिंक यहाँ पे दे सकते हो कि हाँ मेरा ये वेबसाइट है या फिर ब्लॉग साइट है उसका लिंक दे सकते हो, या फिर आपका जो ब्लॉग पोस्ट है, किसी भी पेज है, मतलब किसी भी तरीके से आप यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर सकते हो। एंड जैसे आपका काम हो जाएगा उसके बाद जैसे आप पब्लिश कर देंगे तो आपका ये जो है पब्लिकली शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप जितने अच्छी तरीके से इसके अंदर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए आपको इमेजेस जोड़ना है तो उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इस मतलब एंड पे आता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ एक नया पैरा स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप नया पैरा स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका एक प्लस का निशान आ जाए, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए जो कैमरा का आइकन है ये हो गया आपका इमेज देने के, इमेज जोड़ने की ऑप्शन, और यहाँ पे ये वीडियोज़ भी आप जोड़ सकते हो, या फिर आप ये जो है ये एम्बेड का ऑप्शन, मतलब यूट्यूब वीडियोज़ को आप यहाँ पे एम्बेड भी कर सकते हो, या फिर किसी भी आर्टिकल को भी आप यहाँ पे एम्बेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ें काम कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सिर्फ पब्लिश कर देना है, और बाकी का काम जो है ये आपका medium.com देख लेगा। दोस्तों ऐसे होता है खेल, ऐसे लोग जो है medium.com को यूज़ करते हैं। आई होप की वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद, अगर आपने अभी तक देख लिया हो तो एक लाइक अभी तक कर चुके होंगे, क्योंकि इतने मेहनत से वीडियो को बनाता हूं आप लोगों के लिए। चलिए बहुत ही खुश रहिए, दूसरों को खुशियां बांटते रहिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।